हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू मावलीज रसोई। हमारी आज की रेसिपी है ग्रिल आलू टिक्की सैंडविच। टमाटर, ककड़ी, प्याज, मैश किए हुए आलू, लाल चटनी, इसकी रेसिपी ऊपर आए आइकन में दी हुई है। हरी चटनी, इसकी रेसिपी भी आए आइकन में दी हुई है। धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, अमचूर पाउडर, गरम मसाला, चीज़, चाट मसाला, बटर, ब्रेड हमने गोल साइज में कट करके ले लिया है। पहले हम आलू लेंगे। अभी हम लाल मिर्च डालेंगे। आपको जितना तीखा पसंद है आप उस हिसाब से डालिए। हम लाल चटनी और हरी चटनी भी लगाएंगे। थोड़ा सा गरम मसाला, धनिया पाउडर, अमचूर पाउडर, स्वादानुसार नमक। आपको पसंद है तो आप हरा धनिया भी डाल सकते हैं। अभी हम सब मिक्स करके लेंगे। हमने सब अच्छे से मिक्स करके ले लिया है। अभी हम इसकी टिकिया बनाएंगे। हमने 3 टिकियां बना के ले ली है। इस तरह से आप सब बना के ले लीजिए। इस पर अभी हम नमक और चाट मसाला डालेंगे। नमक कम डालेंगे, चाट मसाला में भी नमक रहता है। पहले हम बटर लगा के लेंगे। एक स्लाइस पे लाल चटनी, एक स्लाइस पे हरी चटनी लगा के लेंगे। अभी हम इस पे टिकिया रखेंगे। ककड़ी रखेंगे। एक स्लाइस टमाटर का रखेंगे। एक स्लाइस प्याज का रख के हम अभी इसको ग्रिल करके लेंगे। हम ऊपर से भी बटर लगाएंगे और हम ग्रिल करने के लिए रखेंगे। अभी हम ऊपर से भी बटर लगाएंगे। अभी हम ग्रिल करेंगे। सैंडविच ग्रिल हो चुका है। अभी हम इस पे चीज डालेंगे। हमारी रेसिपी बनकर तैयार है।